वर्डप्रेस की एक चीज है जिसका अभी तक हमने आपसे जिक्र नहीं किया. वर्डप्रेस हैज अ वेल केप्ट सीक्रेट और हमने ये सीक्रेट आपसे भी सीक्रेट रखा है. दैट इज नोन एज द वर्डप्रेस कोडेक्स. क्या है आखिर वर्डप्रेस कोडेक्स एंड हाउ इट अलाउज यू टू यूज वर्डप्रेस इन अ वेरी पावरफुल वे is exactly the reason that you're listening to this topic. WordPress ek bahut complex system hai. If you try to understand WordPress, WordPress mein kya hai? WordPress is a content management system. WordPress mein content hai. Wo content jo users aake consume karte hain. Aur wo content kaun create karta hai? Aap. You. The owner, the administrator, the editor, the author of the WordPress website. You are the person who creates content and you are the person who uses this management system that is known as the content management system. So WordPress is a very complex system. And WordPress is also open source. Because it is open source, so a lot of different people use it. So this system ko मैनेज करने का एक तरीका है. इस सिस्टम को एक मैनेज करने का एक मैनुअल है. इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हम वर्डप्रेस कोडेक्स कहते हैं. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं या आप एक नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपको एक मैनुअल दिया जाता है कि यार ये गाड़ी इस तरह चलेगी, इस गाड़ी को इस तरह सही से यूज़ किया जाता है, इस गाड़ी के इंजन पुर्जे इधर हैं, इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी इधर डलती है. सो देर इज़ द मैनुअल विच टेल्स यू द होल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम. तो चाहे वो गाड़ी हो या चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या चाहे वो किसी भी एक टेक्नोलॉजी का कोई सिस्टम हो, हर टेक्नोलॉजी के सिस्टम की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसको हम उस चीज़ का मैनुअल भी कहते हैं. इसी तरह वर्डप्रेस की एक डॉक्यूमेंटेशन है, वर्डप्रेस का एक मैनुअल है जो कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बड़े आसान तरीके से समझाता है एंड ऑल्सो टेल्स अस के हाउ द होल वर्डप्रेस सिस्टम एक्चुअली फंक्शंस. दिस मैनुअल या दिस डॉक्यूमेंटेशन इज नोन एज द वर्डप्रेस कोडेक्स. And it is available for free. It is available online. And it is maintained by WordPress ki jo beautiful open source community hai. So ye aapko ek hi cheez batayega WordPress ke bare mein ki WordPress pe kaun se functions aap use kar sakte hain, WordPress ka loop kya hota hai, WordPress ki functionalities kya hai, WordPress pe PHP ke kaun se functions chalte hain, क्या क्या चीज वर्डप्रेस पे किस तरह से चलती है. दिस इज दैट मैनुअल एंड दिस इज समथिंग वर्थ लर्निंग. आप में से वो लोग जो वर्डप्रेस से बिगिनर लेवल से छोड़ के दे वांट टू गो टू एन इंटरमीडिएट लेवल, द वर्डप्रेस कोडेक्स इज फॉर दोज पीपल. वर्डप्रेस कोडेक्स आपको सिखाएगा कि कैसे वर्डप्रेस की आप थोड़ी सी एडवांस फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि क्या यू नीड टू लर्न कोडिंग टू यूज द वर्डप्रेस कोडेक्स. सो द आंसर टू दैट इज एक्चुअली यस. कोडिंग बेशक आपको ना आती हो बट यू मस्ट बी वेरी ओपन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड यू मस्ट बी वेरी ओपन टू एक्सप्लोरिंग, क्योंकि जो कोडेक्स वाला पार्ट है वर्डप्रेस कोडेक्स दैट्स अ लिटिल बिट टेक्निकल, वहां पर आके थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाती हैं. सो बेशक आपको कोडिंग आती हो कि ना आती हो, यू शुड बी वेरी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स एंड यू शुड बी वेरी ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द वर्डप्रेस कोडेक्स. एक और क्वेश्चन, क्या वर्डप्रेस कोडेक्स फ्री है? तो यस, द वर्डप्रेस कोडेक्स इज फ्री टू यूज एंड इट्स मेंटेन अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया द वर्डप्रेस रिपॉजिटरी. डू यू नीड टू लर्न द वर्डप्रेस कोडेक्स बाय हार्ट? ये तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि वर्डप्रेस इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम.
इसमें कोई भी चीज़ आपने रटनी नहीं है या उसको इस तरह दिल से याद नहीं करना, आपने बस समझना है कि ये चीज़ एक जगह एग्जिस्ट करती है, कैसे आप वर्डप्रेस कोडेक्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट नोइंग ऑफ हाउ यू कैन यूज़ द वर्डप्रेस कोडेक्स इन अ वेरी वेरी एफिशिएंट मैनर। मेरी ज़िंदगी वर्डप्रेस कोडेक्स ने बहुत आसान कर दी एंड इट एक्चुअली चेंज माई लाइफ बिकॉज I was not even a programmer, but using the WordPress Codex, मैंने थोड़ा थोड़ा PHP को use करना और सीखना शुरू किया। एक request आपसे मैं करना चाहूँगा कि अगर आप WordPress Codex से कोई भी चीज़ use कर रहे हैं या try कर रहे हैं, तो make sure you're doing it on a test server or on an experimental server या hosting। ये ना करें please कि अपनी live site पे जाके उस पर फिडल अराउंड करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से आपकी साइट या डाउन हो जाए या आपकी साइट में किसी किस्म तरह का कोई मसला आ जाए। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल यूजिंग द वर्डप्रेस कोडेक्स एंड वाइल ट्राइंग द वर्डप्रेस कोडेक्स। सो ट्राई करते हैं, लेट्स गो लाइव एंड सी व्हाट द वर्डप्रेस कोडेक्स इज एंड हाउ इट वर्क्स। अभी तक कोई चीज़ आप सीखे हों या ना सीखे हों, एक चीज़ तो आप सीख गए होंगे और वो चीज़ है कि आप वर्डप्रेस की सही क्वेरीज गूगल पे कैसे लिखते हैं। तो चूंकि मैं आपको अब कोडेक्स सिखा रहा हूँ, तो वी विल सर्च ऑन गूगल वर्डप्रेस कोडेक्स और हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि वर्डप्रेस कोडेक्स क्या है और कैसे आप वर्डप्रेस कोडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो वी विल गो ऑन codex.wordpress.org। ये वर्डप्रेस की अपनी क्रिएट करदा साइट है जिससे वो आपको सिखाते हैं कि वर्डप्रेस कोडेक्स क्या है। इट सेज वेलकम टू द वर्डप्रेस कोडेक्स, द ऑनलाइन मैनुअल फॉर वर्डप्रेस एंड अ लिविंग रिपोजिटरी फॉर वर्डप्रेस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हर गाड़ी हर फोन की एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक मैनुअल होता है। दिस इज दैट मैनुअल फॉर वर्डप्रेस व्हिच विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू लर्न। इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी टेक्निकल हैं, कुछ चीज़ें इसमें ईजी हैं, तो आराम से देखें, ट्राई करें, समझें, एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से फंक्शंस आपके लिए सही हैं। तो आपको बताएगा व्हाट यू नीड टू नो अबाउट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस फीचर्स, इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, फिर है लर्न हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस, फिर है वर्किंग विद थीम्स, राइटिंग अ प्लगइन, कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, गिव बैक। सो दीज आर द डिफरेंट सेक्शंस दैट आर अवेलेबल ऑन द वर्डप्रेस कोडेक्स। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स गो टू using plugins और देखते हैं WordPress Codex उधर हमें क्या बताता है। सो इट गिव्स यू एन इंट्रोडक्शन, इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट डिफॉल्ट plugins कौन से हैं और दिस इज बेसिकली व्हाट द WordPress Codex इज। बट यू कैन यूज द WordPress Codex टू लुक फॉर सम ऑफ द एडवांस्ड थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप plugin कैसे लिखेंगे, सो ये आपको एक पूरा WordPress Codex मिल जाएगा which is about writing a plugin and obviously this demands a certain level of knowledge, a certain level of skill। ये आपको WordPress hooks के बारे में बताएगा which is obviously advanced stuff। तो बेशक आप ये करें ना करें, आपको इसके बारे में पता लाजमी होना चाहिए। There are more sections to explore, sections like what is the plugin API। भाई plugin API आखिर क्या है? सो यहाँ पे आप पूरी डिटेल में कंटेंट इसका पढ़ सकते हैं, हुक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, एक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं, फिल्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, फंक्शनल रेफरेंस के बारे में पढ़ सकते हैं। सो द कोडेक्स इज़ अ वेरी वेरी डिटेल्ड रिसोर्स अबाउट वर्डप्रेस एंड ऑन हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस एफिशिएंटली। साथ ही साथ कोडेक्स पे FAQs भी हैं। व्हाट आर FAQs? FAQs आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये देखें, एक FAQ है अबाउट वर्डप्रेस, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, व्हाई चूज वर्डप्रेस, व्हाट आर वर्डप्रेस फीचर्स, ये सारा आपको वर्डप्रेस के कोडेक्स पे अवेलेबल है। सो कंसिडर द वर्डप्रेस कोडेक्स एज योर बेस्ट फ्रेंड। एज अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट, अगर आप डेली वर्डप्रेस कोडेक्स की वेबसाइट को रेफर नहीं कर रहे, तो यू विल नॉट और यू कैन नॉट बिकम अ गुड वर्डप्रेस एक्सपर्ट। एज अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट, आपको एटलीस्ट दिन में आधे घंटे से एक घंटा लाजमी वर्डप्रेस कोडेक्स की वेबसाइट पे लगाना चाहिए
So you can actually learn ke kya kya different options hain, functionalities hain WordPress Codex se related jo aap seekh sakte hain. Do you also know ke aap volunteer kar sakte hain WordPress ki community mein? Yahan pe ek option hai which says volunteers needed for Codex documentation. Phir saath hi saath you can also become a volunteer for the WordPress support forum. So aap ek volunteer bhi ban sakte hain WordPress ke saath. And this will obviously add to your resume. So WordPress Codex ko zyada se zyada use kare. Use it as an opportunity to learn. Use it as an opportunity to grow. Use it as an opportunity to give back to the WordPress community. The good thing about the WordPress Codex is that all of this is open source and all of this is very easy to edit, very easy to add. And it's different languages may be available. So, there will be pages that you will get in Urdu language. So, use the WordPress Codex to your advantage. इस पे वर्डप्रेस के लेसन्स हैं, उनको जाके पढ़ें, देखें कि हाउ थिंग्स कैन इवॉल्व फॉर यू, देखें कि कैसी चीजें आपके लिए ज़्यादा इजी हो सकती हैं, सो गिव दिस अ वेरी वेरी डिटेल लुक एंड सी कि कौन-कौन सी फीचर्स हैं व्हिच विल हेल्प यू बिकम रियली रियली गुड विद वर्डप्रेस. सो ये सारे सेक्शंस को एक-एक जाके एक्सप्लोर करें, इन फंक्शनैलिटीज को अपनी वेबसाइट पे ट्राई करें. And साथ ही साथ देखें कि कौन सी फंक्शनैलिटी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए सही हो सकती है. तो ये लव्स दिन में याद रखिएगा, वर्डप्रेस कोडेक्स इज योर बेस्ट फ्रेंड. कीप ट्राइंग इट, कीप लर्निंग एंड लेट्स ग्रो एंड लर्न टुगेदर एज पार्ट ऑफ दिस digiskills.pk जर्नी.